दोस्तों बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रिंटेक स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, ओलेक्ट्रा के रिलेटेड अभी के टाइम बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, क्वार्टर फोर रिजल्ट का दौर ये चल रहा है। एंड दोस्तों, यहाँ से कंपनी के क्वार्टर फोर के फाइनेंस के रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेंगे। कंपनी ने डेट अनाउंसमेंट कर दी है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर रहेगी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि नए है क्वार्टर फोर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वो हम देखेंगे। एंड दोस्तों, यहाँ से टारगेट भी देखेंगे कि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आगे क्या दिशा रहेगी, क्या 1500 जाएगा, या यहाँ से दोस्तों हमें जो 2500 का टारगेट है वो अच्छे होता हुआ देखने को मिलेगा, किस दिशा के अंदर यहाँ पे आगे स्टॉक मूव करेगा। देखो, अगर अभी के टाइम बताऊँ दोस्तों, डाटा स्टॉक का तो वॉल्यूम स्टॉक ही बिल्कुल डाउन चल रही है। एंड यहाँ से जो लोग ऊपरी लेवल पर खरीद के बैठे हैं, उन लोगों ने भी ज्यादातर होल्ड ही किया हुआ है। और बड़े प्लेयर्स की बात रही दोस्तों, तो बड़े प्लेयर्स गिरावट का यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं। अब देखा जाए अभी के टाइम दोस्तों, 28-27% तक की यहाँ पे डिलीवरी हमें शो हो रही है, जो अभी के टाइम एमओ कार्ड सेल ऑन बाय का डाटा है वो ज्यादा इफेक्टिवल नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज अगर देखें दोस्तों, वो है क्वार्टर फोर के रिजल्ट डेट। तो रिजल्ट डेट है वो आ चुकी है। तो रिजल्ट डेट दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हो, कंपनी ने जो रिजल्ट डेट यहाँ पे बताई है वो आपको देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जो कंपनी के फाइनेंस आंकड़े हैं वो दोस्तों हमें 25 अप्रैल यानी कि दोस्तों इस महीने की 25 तारीख को हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज दोस्तों 21 हो चुकी है, तो दोस्तों 4 दिन यहाँ मतलब अगले वीक के अंदर ये रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, रिजल्ट कैसे रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे रिजल्ट कल आएंगे तो उसके एक दिन पहले हम यहाँ पे एक वीडियो डालते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्ट वीडियो, प्रिडिक्शन वीडियो। तो वो रिजल्ट का वीडियो भी हम यहाँ से बनाएंगे और आपको बताएंगे कि रिजल्ट कैसे देखने को मिलने वाला है। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों की शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एक बार हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए अभी के टाइम जो स्टॉक का पी वाई चल रहा है अराउंड यहाँ से 160 का। देखिए रिजल्ट अगर अच्छे रहते हैं, कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है 50-60 करोड़ रुपए का, तो ये पी दोस्तों हमें अराउंड 135 के आसपास अगेन हमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, जो कि साल में एक बार ही करती है। मेन चीज जो हाई है ना स्टॉक के दोस्तों, 2222 रुपए तक के हमें बाउंड्री का ही देखने को मिले थे, जो कि जल्दी ही यहाँ पे ब्रेक करने के चांसेस नजर आने। हर क्वार्टर दोस्तों कंपनी अपना जो यहाँ पे एसेट्स है वो कंपनी बढ़ा रही है, तो ये प्लस पॉइंट है दोस्तों। इस क्वार्टर फोर के अंदर हमें जो कंपनी की बैलेंस शीट है ना वो भी अपडेट होते हुए देखने को मिलेगी मार्च की, जैसा कि हमने देखा था। देखो जो यहाँ पे एंड होता है ना साल का, उसमें दोस्तों सारी कंपनी यहाँ पे अपना जो जो मतलब यहाँ पे सेल्स वगैरह, जो कंपनी ने रिजर्व वगैरह बोरोविंग्स, यहाँ पे जो लाइबिलिटीज, जो एसेट्स है, सारी चीजें यहाँ पे हमें बताएगी। तो यहाँ पे ये देखो 2023 का है, एंड ये 22 का, 21 का, 20 का, ये 19 का, ये 18 का, ये 17 का, ये 16 का, टोटल यहाँ से कंपनी इस साल 2024 की जो बैलेंस शीट है वो अपडेट करेगी। तो इसमें हमें चांस यही रहेगा, एक तो कंपनी का रिजर्व, ठीक है ना, जो कंपनी के पास रिजर्व पिछले क्वार्टर 840 करोड़ का था, ये इस क्वार्टर में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों मेन चीज हमारे लिए एसेट, जो एसेट्स 1589 करोड़ के थे, और पूरे साल के जो एसेट्स बढ़कर इस क्वार्टर के अंदर हमें 2000 जो रुपए मतलब 2000 जो करोड़ उसके प्लस हमें एसेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात बैलेंस शीट की, सॉरी जो यहाँ पे कंपनी क्वार्टर फोर के रिजल्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी, तो इनमें जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स के पास ने कोई भी चेंजेस नहीं किया। इसके बाद बात आती है एफआई वालों की, तो भाई एफआई का अगर डाटा देखोगे दोस्तों पिछले साल से, तो देखो यहाँ से 9.3 था, फिर कम किया, फिर कम किया, क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग करी पिछले क्वार्टर राउंड सितंबर के क्वार्टर तक। उसके बाद एफआई को फिर से इंटरेस्ट लगा, इन एफआई ने देख लो यहाँ पे 7.78, 8.58, तो और देखा जाए पिछले 3 महीने का आंकड़ा उठा के देखोगे तो स्टॉक 1500+ निकल चुका था, 1500+ ही दिखा। तो भाई अगर हम ये सोच रहे हैं कि स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया है, आने वाले फ्यूचर में गिर सकता, तो भाई खुद एफआई 8% माल लेके बैठा हुआ है, और देखा जाए एक बड़ी क्वांटिटी में, जो यहाँ से दोस्तों 1% के आसपास जो उनकी बाइंग रही है वो टोटली 1500+ प्राइस पर यहाँ पे बाइंग रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या रह सकता है। इसके बाद बात आती है आपके डीआई वालों की, तो भाई डीआई में बता दूं मैं यहाँ पे, तो डीआई ने भी 0.03% माल यहाँ पे खरीदा है। डीआई के आंकड़े आप देखोगे दोस्तों, 0.15 था एंड 0.18 हो चुका है, फिर यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 11 था, और दोस्तों डीआई हर क्वार्टर में अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। एंड जो शेयर होल्डर्स की संख्या की बात कर लें तो 3,59,000 करोड़ 3,59,000 जो यहाँ पे शेयर थे वो दोस्तों बढ़कर हो चुके हैं 4,35,000। तो और देखा जाए जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स की संख्या है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने, मतलब लोगों को इसमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब ये चीजें आप यहाँ पे देखो दोस्तों, पिछले क्वार्टर का अगर रिजल्ट आप देखोगे
तो आपने देखा था कि कंपनी के मेन चीज ओपीएम रहते हैं। देखो ओपीएम 14% के हैं, पहले 21 के थे, तब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही थी, बस सेल्स डाउन थे कंपनी के। अभी के टाइम सेल्स बढ़ चुके तो ओपीएम कट रहे हैं, मतलब ओपीएम थोड़े डाउन है। अब तो अभी के टाइम देखो, अगर ओपीएम बढ़ते इस क्वार्टर में, ओपीएम भी 18-17 के रहते हैं, तो जो प्रॉफिट है वो दोस्तों हमें जंप करता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले साल से देखा जाए दिसंबर से सेल्स पिछले क्वार्टर में बढ़ी थी, एंड इस क्वार्टर की जो आपके सेल्स है वो 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों, जो आपका प्रॉफिट है ना, वो चांस है कि इस क्वार्टर में 28 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो इस क्वार्टर में 30-35 करोड़ का तो प्लस कम से कम करें यहाँ से, तो पिछले क्वार्टर का 27 का था वो बढ़ गया इस क्वार्टर में 35 करोड़ भी हो जाए तो भी रिजल्ट दोस्तों हमें धमाकेदार देखने को मिलने वाले हैं। देखिए अभी के टाइम देखो, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सारी पीएस स्टॉक आपको डाउन देखने को मिलेंगे। जेबी मोटर देखो ईवी सेगमेंट का है, ओलेक्ट्रा को आप देख लो, आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पे जो इलेक्शन है उसके बाद बजट देखेगा ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, खासकर ईवी सेगमेंट है यहाँ पे जो ग्रोथफुल सेक्टर है उनके लिए। 41 का करंटली आरएसआई चल रहा है, हम इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो जो कंसोलिडेट जो है ये जल्दी खत्म हो सकता है। अब यहाँ पे देखो मेन सपोर्ट स्टॉक का बना हुआ है 1780 रुपए, जिसको फ्राइडे के अंदर हमें टूटता हुआ देखने को मिला 1754 पे। अब देखो सपोर्ट क्या है, देखो मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से टूटा। एंड दूसरी चीज, जो बड़ा सपोर्ट है वो बन रहा है दोस्तों अराउंड यहाँ पे आपका 1700-1690 रुपए के आसपास, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है। इसके साथ एसएल के साथ होल्ड करिए, जो रिजल्ट आते हैं तो फिर ऑलराउंड दोस्तों 1800-1900 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट भी नजर आ सकते हैं।